वो सारे मरीज़ जो कि परेशान होते हैं, हमें दिक्कत है हमारी हाथ की पैर की टांग की ताकत ख़त्म हो गई है, तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। साथ ही साथ जो भी डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कायरोप्रैक्टर्स हैं, कि जिसमें आप अगर हाथ उठाने के लिए बोला गया तो आप अपने हाथ में डंबल या वेट लेके आराम से पूरा उठा सकते हैं, और आप इसमें ये भी देखते हैं कि आपका शोल्डर नहीं उठा, आप झुक नहीं रहे या आप ऐसे नहीं उठा रहे, तो आप बिल्कुल नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में आराम से अपने हाथ को उठा सकते हैं। अगर मैं हाथ की मसल की बात करूँ, ऊपर की सबसे जो नॉर्मल रेंज है, लिमिट है, उससे एक माइनस है कि आपको अगर 2 किलो का या 4 किलो का या 3 किलो का डंबल दिया गया, आप नॉर्मल ऐसे एक्शन नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, मैं इतने सारे डंबल्स लेके आ गया हूँ। ये कितने किलो का है? ये करो 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 आप करो। इनकी बाइसेप्स की तो रेंज 5+ है, 5 है ग्रेड है, बट जो ब्रेकियो डेडलिफ्ट है ये मसल हल्की सी वीक है, यानी कि 5- है। ये चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं, आपने देखा कि 3.5 से डॉक्टर जोई ने हमें एक्सरसाइज करके बाइसेप्स की दिखाई है। अब हम करते हैं मॉडरेट वेट के साथ में, जिसमें आता है 2 kg। 2 kg है। ज़्यादा कंफर्टेबल है एक्सरसाइज करने के लिए या 2.5? ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो देखिए, ये है इसकी रेंज, तो ग्रेड तो इसकी 5 ही है, वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसके लिए ज़्यादा था। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि अगर मुझे 2.5 को एक ऑप्टिमाइज्ड वेट मानना है, तो मैं सर्टनली राइट साइड की जो स्ट्रेंथ है वो बोलूँगा 5-, जबकि लेफ्ट साइड जो इसकी नॉन डोमिनेंट साइड है उससे ज़्यादा कंफर्टेबली किया था, तो ये 5 है बाइसेप्स में। राइट, आपको भी महसूस हुआ लेफ्ट से ज़्यादा अच्छे से कर रहे थे? ये हमने बाइसेप्स का किया। अब मैं आपको शोल्डर का बताता हूँ। शोल्डर के साथ भी इससे पहले मैं हम आते हैं लाइटर वेट के साथ, शोल्डर के साथ करते हैं। बनी है मेरे माइंड में, रेंडमली आया कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे स्टाफ ने बोला कि सर आज आपको वीडियो बनानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बताइएगा क्यों मेरे स्टाफ ने बोला होगा आपको आज वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू।